हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपने पोर्टल में कुछ चेंजेज किए, तो चेंजेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, और आपको जानना चाहिए कि अब जो न्यू फीचर्स आए उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। बिकॉज अब पोर्टल चेंज हो चुका है, पहले के तरीके से आप पोर्टल पर आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो जो न्यू अपडेट्स आए हैं रिलेटेड टू पोर्टल्स, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वन बाय वन। तो मैं स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, एंड मैं आपके साथ स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, अपडेट्स है सॉरी। यहाँ पे आप स्टूडेंट सेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोर्टल पहले से डिफरेंट दिख रहा होगा आपको। अगर आपने पहले पोर्टल यूज किया है तो यहाँ पे आप सब कुछ आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपको अगर स्टूडेंट्स रिलेटेड जो कुछ भी चाहिए, आप मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट यहाँ पे चले जाओ, स्टूडेंट्स कनेक्ट पोर्टल। यहाँ पे आप स्टूडेंट कनेक्ट पोर्टल में आप देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ई क्लास लाइब्रेरी, आपको ऑनलाइन सारी क्लासेज यहाँ पे मिल जाएगी, जो भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है वो आपको सारी क्लासेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सब कुछ इन्होंने वन सिक्वेंस से अरेंज कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड आपको जो कुछ भी आपको यहाँ देखना है, आप यहाँ देख सकते हो। स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर, MTP, वर्कबुक, RTP, आप सब कुछ आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, सप्लीमेंट्री एवरीथिंग। तो इंस्टीट्यूट ने अपडेट किया है अपने पोर्टल को, एंड इसमें मैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक न्यू अमेंडमेंट है, एम्प्लॉयबिलिटी एंड टैक्टो स्किल डेवलप्ड फॉर द ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नो स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट 200 आवर्स। तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो 200 आवर्स की है, जो न्यू ट्रेनिंग स्कीम है। SAP फाइनेंस पावर यूजर्स प्रोग्राम आपके पास 60 आवर्स का है। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम 40 आवर का है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम 20 आवर का है। ई फाइलिंग 20 आवर का है, एंड नॉलेज सपोर्ट 60 आवर का है। The world class training program mentioned above are integrated with SAP Learning Hub and will be available from January 2021 to the CME intermediate students taking admission on or after 11th August 2020. तो जो भी ऑन और आफ्टर ले रहे, यानी आपने 11th अगस्त को एडमिशन लिया या उसके बाद लिया, उन सबके लिए एप्लीकेबल होगा। और ये सब कुछ अवेलेबल कब से होगा? जनवरी 2021 से। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, शायद आपको अभी कहीं पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन जो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। अब इससे रिलेटेड और भी कुछ इंस्टीट्यूट ने डिस्कस किया है, जैसे CMA ग्लोबल कोर्स लेके जाना चाहती है, तो एक PDF भी यहाँ पे है, मैं आपके साथ तो PDF भी शेयर करना चाहता हूँ। अगर मैं स्टूडेंट पे जाऊँ, एक सेकेंड, अभी मैंने डाउनलोड किया था, शायद डाउनलोड नहीं सेव नहीं किया था। अरे यार, CMA गोइंग, अच्छा हाँ ये रहा, CMA कोर्स गोइंग ग्लोबल। CMA कोर्स 2020 गोइंग ग्लोबल, ये इंस्टीट्यूट ने अपना न्यू थीम लॉन्च किया है, जिससे ग्लोबल वाइड CMA को ले जाने के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट नेटवर्क के बारे में भी इन्होंने डिस्क्लोज किया है। 85,000 से ज़्यादा CMA क्वालिफाइड है, एंड इंस्टीट्यूट के पास 133 एग्जामिनेशन सेंटर है, 434 रिकोगनाइज ओरल कोचिंग सेंटर्स है, 51 सपोर्ट सेंटर्स है, 10 ओवरसीज सेंटर है, 5 लाख प्लस CMA स्टूडेंट्स है। तो आप इसको आप यहाँ पे आप देख सकते हो, और CMA इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ बॉडी है। और ये रहा आपका जो कंप्यूटर ट्रेनिंग जो न्यू लॉन्च हुआ है उसके बारे में डिटेल्स, न्यू जो फीस स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है उसके बारे में डिटेल्स है यहाँ पे। फाउंडेशन के लिए 6,000, इंटरमीडिएट के लिए 22,000, एंड फाइनल के लिए 25,000। कोई फॉरेनर है वो भी एडमिशन ले सकता है, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फीस यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो आप इसको देख सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हो, एंड मैंने आपको बता दिया आप किस तरीके से सबको एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है सब कुछ आपको मैंने बता दिया है, एंड ये सबसे इंफॉर्मेशन अपडेट्स था, नोटिफिकेशन था। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप कुछ आप इसको आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।